जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इस तरह के सेंटेंस साथ में गाना नहीं सुना रहा हूं, मुझे पता है कैसी मेरी है मेरी आवाज, उसके लिए झेलने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये है कि हम कभी कभी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि आखिरी हो। वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं उसका नौकर हूं, वह ऐसे बिहेव करता जैसे कोई राजा हो। तो इस तरह के ऐसे करना, वैसे करना, जैसे कि कोई वैसा हो, तो इसे भी यूज करते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं एज इफ या फिर एज दो, एज इफ या फिर एज दो। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस को आप इनमें से कोई वर्ड डाल सकते हो, जैसे कि जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, लिव योर ईच डे एज इफ इट्स योर लास्ट डे। वह ऐसे बिहेव कर रहा था मुझसे जैसे कि मैं उसका नौकर हूं, ही वॉज बिहेविंग विद मी एज इफ आई एम हिज सर्वेंट। या फिर एज इफ की जगह एज दो का यूज भी कर सकती हो, ही वॉज बिहेविंग विद मी एज दो आई एम हिज सर्वेंट। आप एज इफ लगा सकते हैं, एज दो भी लगा सकते हैं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मानो कि मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि या मानो ऐसा कुछ हो। तो शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। वो ऐसे हंसता है जैसे कि राक्षस हो, ही लाफ्स एज इफ या फिर एज दो ही इज अ डेमन। इस तरह सब सेंटेंस बना सकते हो। एक सेंटेंस आपके लिए भी है, यू कैन कमेंट, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि राजा हो। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, कमेंट ब्लॉग। इंग्लिश सीखिंग इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। थैंक यू।